इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सूरज सांवरिया आरटीआई। चंद्रदेव प्रसाद की एक ही सोच, एक ही सपना है, हर घर में सरकारी नौकरी हो, जहां बेहतर ढंग से दी जाती है प्रशिक्षण। नामी कंपनी में प्लेसमेंट, ऐसी व्यवस्था है यहां तो आप क्यों जाएं दूसरे यहां। नामांकन आरंभ है फीटर इलेक्ट्रीशियन सीटों पर, पहले आए और पहले पाए। आकर्षक उपहार एवं पैकेज के साथ छपरा का विश्वसनीय आईटीआई सुरेश सांवरिया आईटीआई। नामांकन के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने नंदलाल सिंह कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर के परिसर में शनिवार को 11,72,915 रुपए की लागत से बालिका कॉमन रूम का शिलान्यास किया। इसके पूर्व कुल देवता नंदलाल बाबू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। तत्पश्चात आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सांसद ने कहा, सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा का आलख जगाने वाले इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस कॉलेज में विद्यार्थियों की सुविधा व शैक्षणिक व्यवस्था में जो भी योगदान संभव होगा प्रदान किया जाएगा। भारत चीन सीमा की गलवान घाटी में शहीद जवानों को नमन किया। उन्होंने कहा कि हमें फख्र है कि हमारे वीर जवान दुश्मन सैनिकों को मारते मारते देश के लिए शहीद हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि जवानों की कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। चीन समेत पड़ोसी दुश्मन को निश्चित रूप से भारी कीमत चुकानी होगी। कोरोना से खुद बचने और दूसरों को भी बचाने के लिए खुद सजग रहने की सलाह लोगों को दी। वही अध्यक्षता करते हुए पूर्व प्राचार्य व संस्थापक सदस्य डॉक्टर परमेश्वर सिंह ने कहा, कॉलेज के विभिन्न समारोह में पहुंचे बहुत से राजनेता ने कई घोषणाएं की मगर पूरा नहीं किया, आप उनमें अपवाद बन गए हैं। प्राचार्य डॉक्टर के पी श्रीवास्तव ने आगत अतिथियों का स्वागत किया। संचालन शारदानंद सिंह ने किया। समारोह को समाजसेवी जितेंद्र सिंह, ओम प्रकाश सिंह, हेमनारायण सिंह, कॉमरेड अरुण कुमार आदि ने संबोधित किया। मौके पर डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, शेखर दिव्यांशु, राम प्रसाद सिंह, मनोज पांडे, जयकिशोर सिंह, मनोज प्रसाद, सुमन गिरी, अभयानंद उपाध्याय, रघुनाथ पांडे, इंद्रावती देवी आदि मौजूद थे। मेरे अभिभावक तो इस महाविद्यालय के पूर्व प्रचार और एक राज्य के जाने माने शिक्षा भी प्रखर वक्ता भी परम श्रद्धे डॉक्टर परमेश्वर बाबू इस कार्यक्रम के संचालक चिन्हित किया जाता है, उनमें अलग से ऐड किया जाता है। वैसे काम करने वाले आदरणीय डॉक्टर के पी श्रीवास्तव जी आज इस अवसर पर यहाँ उपस्थित इस महाविद्यालय को स्थापित करने का अवसर दिया। वैसे परिवार के और मेरे प्रिय एक राज्य के जाने माने अच्छे कंडक्टर, अच्छे संबोधक राज्य के जाने माने प्रिय भाई जितेंद्र सिंह जी, अन्य सभी सम्मानित शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारीगण आज के इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित थे, अन्य सभी अति सम्माननीय भाई और बहनों, एकमात्र ऐसा महाविद्यालय है जहां आधुनिक शिक्षा का पठन और पाठन कराया जाता है, जहां इस क्षेत्र की तमाम बच्चे या बच्चियां यहां आती है। लेकिन चूंकि यहां काफी बिल्डिंग कमरे हमारे ओम भैया ने कहा कि वापस हो जाती है, लेकिन आपके द्वारा यहाँ गर्ल्स कॉमन रूम का शिलान्यास जिस अवसर पर आप यहाँ उपस्थित हुए हैं, इसके क्षेत्र की जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ कि आजादी के बाद जब से इस कॉलेज का स्थापना हुआ है। व्यक्तित्व को नमन करना चाहता हूँ नंदलाल बाबू, जिन्होंने इसके लिए जमीन दिया, जो इन जिनके नाम पर यह महाविद्यालय है, जिन्होंने यह प्रयास किया कि इससे दूर दराज के क्षेत्र में भी जब से यह कॉलेज बना है तब से और आज के बीच में बहुत अंतर है। आपकी सुविधाएं पहले से ज्यादा बढ़ गई है छपरा हमें जाने के लिए,
लेकिन उस समय यह सुविधा नहीं थी। मैं यह समझता हूं कि वह व्यक्ति उनके ध्यान में और उस समय के अभिभावकों के ध्यान में अगर यह बात नहीं आती कि यहां एक महाविद्यालय स्थापित हो तो यहां के हजारों बच्चे और बच्चियां शिक्षा से वंचित हो जाती, वह चाह करके भी शिक्षा प्राप्त नहीं करती। इसलिए वो नंदलाल बाबू को और उस समय के बुजुर्गों को जिन लोगों ने उनको सहयोग उस समय किया है उनके प्रति मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करता हूं। और हमें अपने लिए तो सब लोग करते हैं लेकिन समाज के लिए कुछ कर करके गए वो हमेशा वंदनीय है, हमेशा नमनीय है। उनके प्रति नमन करना अपने को कुछ ताकत और आशीर्वाद प्राप्त करने के जैसा है। श्री नंदलाल बाबू और उनके उस समय के जो भी उनके साथी सहयोगी मिले होंगे, अग्रसर टीम जो रहा होगा तो टीम के सभी लोगों का मैं हृदय से वंदन। परमेश्वर बाबू भी उस समय थे, प्रचार रहे बाद में लेकिन उस समय उस टीम में थे। ऐसा कॉलेज स्थापना के टीम में आप भी थे, आप प्रचार रहे बने लेकिन आप टीम में थे। वैसे तमाम लोगों का मैं हृदय से वंदन अभिनंदन स्वागत करता हूँ और उनके माता पिता को भी मैं हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ जिस माता पिता ने वैसे दाताओं को जन्म दिया जो शिक्षा के क्षेत्र में कलम जोर लगाने का काम किया। उनके आज के भी उनके वंशजों के प्रति भी मैं हृदय से सम्मान व्यक्त करना चाहता हूँ। या उस वंशज से आते हैं जिन लोगों ने वास्तव में जो आपके पूर्वजों ने एक कृषि स्थापित कर दिया, एक अंधेरे में जोत चलाए, अंधेरे में दीप जला करके अंधेरा को दूर करवाने का काम किया, वह आप भी निश्चित रूप से सम्मान के पात्र हैं। आपको भी जितना सम्मान दिया जाए कम है, आपके प्रति हृदय से सम्मान में व्यक्त करना चाहिए। अगर खबर अच्छी लगी हो तो खबर को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर करना न भूलें।